नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द फिल्मी तालीम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फरहत वासिल, रोशन मातो और अपर्णा बालामोर की एक मस्त मलयालम मूवी धूमम के बारे में। कहानी शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहानी एक सिगरेट बेचने वाले बिजनेसमैन की है, जो कि लोगों को इस तरह से आदत पकड़ाते हैं कि एक अच्छी चीज है और जरूरियात बना देते हैं इस मूवी में एक सिगरेट को, जो खुद पीते नहीं लोगों को आदत पकड़ा देते हैं और मानो के एक फायदेमंद चीज है। अगले दिन देखते हैं उसके ऊपर हमला हो जाती है, जो कार के ऊपर हमला हो जाती है। बाद में पता चलता है कि उसके शरीर में बम बांधा हुआ था और उस बम बांधने के दो रीज़न थे। पहला तो उसको सिगरेट पीने से उसकी हाथ में जो घड़ी थी बम की टाइमर की, वो आगे बढ़ जाती है। दूसरा, उसके ऊपर गोलीबार खूब चलाए थे। बस यही चीज़ को इस मूवी में अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है और किस तरह से एक इंसान के जीवन में वो लत लग जाते हैं और किस तरह से वो इंसान एक अच्छे खासे इंसान खराब हो जाते हैं पीने के बाद। आग पानी की जैसे उसको लत लगाया जाता है, इसका बुरा असर क्या होता है ये भी चीज़ इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी की अगर रन टाइम की बात करें तो ये मूवी 2 घंटा 24 मिनट के रन टाइम में आती है, जो फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन सेकेंड हाफ थोड़ा सा कनेक्टेबल नहीं हो पाती है। मूवी की अगर डायरेक्टर की बात करें तो पवन कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इससे पहले कई सारे मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट पे मूवी बनी है। बस मैं तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि देखने से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, बाकी मैं बताने से बहुत कुछ समझ में नहीं आएगी, शायद बहुत सारी चीज़ें बाउंस करेगी। और ये मूवी मलयालम लैंग्वेज में है, कन्नड़ा इंडस्ट्रीज की तरफ से आई है। और कैसे दिखाया जाता है मूवी में कि कैसे सिगरेट बेचने वाले इंसान एक दूसरे इंसान को अपना असर दे करके बिजनेस करती है, पैसा कमाती है, सारी चीज़ें आपको इस मूवी में अच्छे तरीके से दिखाया गया। मूवी 10% लोगों को डिसअपॉइंट करेगी। तो दोस्तों, ये रही मेरी धूमम मूवी की रिव्यू। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट मेल से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर, अपना ख्याल।